तो रस्ताओ बिस्मार हालत माचने बिस्मार रस्ताओ नू रहस्य शू छे जो ये आवी गुजरात में तूटी रहे रस्ताओं साचु रहस्य सामे आव्यु छे। चोमासामां तूटी रहे रस्ता रहस्य जाणी तमारा पग नीचे थी जमीन सरकी जशे। रस्ताओनी क्वालिटी एश्योरंस माटे अपाता हता खोटा सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट बनावानो एक कौभांड झड़पायु छे। राज्यव्यापी कौभांडनो गोधराथी संचालन थतुं हतुं। पंचमहालमां गैरीना नामे राज्यव्यापी आ कौभांड सामे आव्यु छे। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट थी सरकारी तिजोरी ने लाखों चूनो चोपड़ियों, दुकान माथी ज भेजा बाजुए समग्र कौभांड ने अंजाम आप्यो हतो। राज्यनी कचेरीओना डुप्लीकेट सिक्का ने लेटरपेड बनाव्या हता। बांधकाम विभागनी इजारदार एजेंसीओ ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आप्या। मळतियाओने पण डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपी लाखों रूपियानो कौभांड कर्यु। पोलीसे शुं कार्यवाही करी? गोधरा एलसीबी पोलीसे बातमीना आधारे दरोडा पाड्या। साथरिया बजारनी गलीमां दरोडा पाडवामां आव्या। अकील ओनभाई अडादरानी दुकानमांथी आ कौभांड झड़पायुं छे। राज्यनी 31 सरकारी कचेरीओना दस्तावेज मळी आव्या छे। सिक्का, लेटरपेड, दस्तावेजी कागळ, बे लेपटॉप, प्रिंटर जप्त कर्या छे। अने आ अंगे कोणे फरियाद करी हती? तो गैरीना मददनीश संशोधक अधिकारीए फरियाद करी हती। दिनेश कुमार अग्रवालनी फरियादना आधारे पोलीसे कार्यवाही करी छे। भेजाबाज अकील अडादरावालानी धरपकड़ करी छे। 406, 420, 465, 467, 468, 471, 472 अने 474 मुजब गुनो नोंधायो छे। राज्यव्यापी कौभाड़नो पर्दाफाश थता अकील एंड कंपनी साथे संकळायेला लोको अंडरग्राउंड थई गया छे। तेमना मोबाइल फोन पण स्विच ऑफ आवी गया छे। अकीलना डुप्लीकेट टेस्टिंग रिपोर्टथी सरकारी कचेरीओमां पण खळभळाट मची गयो छे। हाल तो पोलीस आ मामले तपास करी रही छे कि अकील अडादरावालाए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कोने कोने आप्या अने तेना कारणे केटला लाखो करोड़ोनुं तेने कौभांड आचर्युं छे। गेरी गुजरात इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीयल रिसर्च इंस्टिट्यूट छे तेना अधिकारी श्री सचिन दिनेश कुमार अग्रवाले फरियाद आपी अने आरोपी अकील अडादरावाला सेना विरुद्ध में फरियाद आपी अने फरियाद में एवं जणावेलू छे के आ आरोपीए गैरीना सही सिक्का करी अधिकारी ने खोटी बनावटी सहीओ करी 2621 बनावटी दस्तावेजों एने बनावेला बे एक प्रिंटर अने एक लैपटॉप पण बे लैपटॉप पण पोलीसे तपास में कब्जे करेलू छे। एना विरुद्ध में बी डिविजन पोलीस स्टेशन में गुनो दाखल कर्यो छे। लोकल क्राइम ब्रांच गोधरा आनी तपास करी रही छे। आ आरोपी पोलीसे पकड्यो छे। हाल पोलीसनी तपास चालू छे। जयेन्द्र भोई अमारी साथे फूललाइन पर जोड़ाई गया छे। जयेन्द्र, राज्यव्यापी आ कौभांड सामे आव्युं छे, तेना तार क्यां सुधी प्रसरेला छे, केटला लोको तेमां जोड़ायेला हता अने हाल शुं माहिती प्राप्त थई रही छे? बिल्कुल, जे प्रमाणे गोधरा थी आखो राज्यव्यापी कौभांड सामे आव्युं छे खूब ज चौंकावनारुं छे। कारण के राज्यना लगभग मोटा शहरों में जे गेरी ऑफिस आवेली छे तेनी तमाम ऑफिसोना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनावी अने आ कॉन्ट्राक्टरो द्वारा अलग अलग जग्याओ पर उपयोग करवामां आवता हता। गुजरात जे रिसर्च गुजरात एंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट छे तेना सर्टिफिकेटनी क्वालिटी एक्सेलेंस माटे जरूर पड़ती होय छे। त्यारे जे सरकारी रस्ताओ बनावामां आवे छे तेनी अंदर आ सर्टिफिकेट बांधकाम विभागने आपवामां आवता हता अने आ सर्टिफिकेट लेवा माटे મસ્ત મોટી ફીસ કોન્ટ્રાક્ટરોને ઘેરીને આપવી પડતી હતી। આ ફીસનો બચાવ કરવા માટે અને વહેલું કામ કરવા માટે આ જે ભેજાબાજ કોન્ટ્રાક્ટરો છે તેમના દ્વારા આ ડુપ્લિકેટ સર્ટિફિકેટ બનાવવામાં આવ્યા હતા। જો કે ગોધરા એલસીબી પોલીસે આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને હાલ જે પ્રમાણે માહિતી એલસીબી દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે તે મુજબ વડોદરા, ગોધરા, ગાંધીનગર, ભરૂચ, સુરત, પાલનપુર, બોટાદ, કચ્છ અને ભચાઉ સહિત રાજ્યની લગભગ 31 કચેરીઓની અંદર આ પ્રકારના ડુપ્લિકેટ જે સર્ટિફિકેટ છે તેની ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા હોવાની વાત સામે આવી છે। અને તમામ જે ખોટા સિક્કાઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા તે પણ એલસીબીએ જપ્ત કર્યા છે અને તેની સાથે સાથે લગભગ 2100 જેટલા દસ્તાવેજો પણ ખોટા સર્ટિફિકેટની સાથે એલસીબીએ હાલ જપ્ત કર્યા છે। જો કે આની અંદર કોઈ સરકારી અધિકારીઓ સામેલ હતા કે કેમ, ગેરીના કેટલાક અધિકારીઓ આની અંદર શંકાસ્પદ રોલ હોવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે અને કેટલાક અન્ય કોન્ટ્રાક્ટરો પણ આની અંદર સામેલ હોવાની વાત હાલ ચર્ચામાં છે। ત્યારે એલસીબી પોલીસ હાલ સમગ્ર મામલે રાજ્યવ્યાપી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે। જી, પોલીસે ક્યાં તપાસ કરી છે, કઈ કઈ જગ્યાઓ પર તપાસ કરીને તેમાંથી શું સામે આવ્યું છે, કેટલા લોકો હતા, કોઈકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે?
बिल्कुल हाल आ समग्र मामले ગોધરાના એક ઇસમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જેની સાથે અન્ય કેટલા લોકો સામેલ હતા તે સમગ્ર મામલે અને કયા કયા અધિકારીઓ પણ આની અંદર સામેલ હતા તે સમગ્ર મામલે હાલ ગોધરા ઘેરી કચેરીની અંદર તો એલસીબીએ તપાસ કરી છે પરંતુ સાથે સાથે રાજ્યની અન્ય જે કચેરીઓ છે તેની અંદર પણ એલસીબી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવનાર છે જી બિલકુલ આભાર જયેન્દ્ર સમગ્ર વિગત બદલ दस्तावेजों आर्थिक लाभ लेवा उपयोग करेलो है कोईपण कचेरी अधिकारी सही नहीं करी छता बोगस बनावटी सही कर सिक्का मारी एनो उपयोग आर्थिक लाभ लेवा करेलो ये डॉक्यूमेंट तमाम जे है अने जे डॉक्यूमेंट मे मतलब कॉम्प्यूटर से लैपटॉप से बधु कब्जे कर एक आरोपी से तपास चालू है वधु पुराव मळे जेना विरुद्ध में पुराव वधारे मळे ये आरोपी थई शके छे चार्जशीट न थाय त्यां सुधी तपास चालू रहेशे अने तपास दरमियान जो वधारे बीजा आरोपीओ मळी आवे अने एमना विरुद्ध में पुरावो हशे तो एक करता वधारे आरोपीओना विरुद्ध में चार्जशीट पण थई शके छे। तो आज समग्र राज्यव्यापी कौभांड सामे आव्युं छे तेने लईने अनेक सवालो थई रह्या छे। गेरीना नामे कौभांडमां कोनी कोनी संडोवणी छे, अखिल अडाधरवालाए कोने कोने सर्टिफिकेट अत्यार सुधीमां आप्या हता, गेरीना नामे केटला लाखों करोड़ोनुं कौभांड आचरवामां आव्युं, अखिल अडाधरवालाए कोनी मददथी आ कौभांडने अंजाम आप्यो, आ कौभांड आचर्युं हतुं, पोलीसनी कार्यवाही पछी आ केसमां कया मोटा खुलासा थशे तेना पर सौ कोईनी नजर छे। गेरीना नामे कौभांडमां कोनी कोनी संडोवणी, शुं मोटा अधिकारीओ पण आ कौभांडमां जोडायेला छे અને જોડાયેલા છે તો હવે તપાસ જે પોલીસની થશે તેમાં કોના નામો સામે આવે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે, કારણ કે અખિલ અડાધરવાલાએ કોની મદદથી આ કૌભાંડ આચર્યું એ સૌથી મોટો સવાલ।